एक बार फिर से नई वीडियो के साथ मैं आ गया हूँ बहुत ही अच्छे टॉपिक्स के साथ। आपको आज बताऊंगा कि भाई ये क्या चीज़ होता है, कि आप लोगों को एक ए टू जेड इंफॉर्मेशन देना। अब वाईफाई पावर बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे कि वाईफाई का जो पावर बैंक होता है कहाँ से मिलता है और कैसे चलता है और कौन सा हमें अटैच करना चाहिए, किस कंपनी का और कैसा हो, वो आपको इजीली मैं समझा दूंगा इस वीडियो में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें ये वाला पावर बैंक लगाना चाहिए और ये वाला नहीं लगाना चाहिए, ए टू जेड समझ में आ जाए, ताकि हमें तो उस हिसाब से आपने ये लगाना है, ठीक है, उस पावर बैंक को, और हमारे साथ साथ बने रहना है। और काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको मैंने समझानी है, तो आपने साथ रहना है, भागना नहीं है कहीं, उधर ही पकड़े रहो, हिलना उलना नहीं है, साथ साथ रहना है। और तो सारा जो चक्कर है वो है आपका वाईफाई राउटर के बारे में। अब राउटर दो किस्म के होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। राउटर दो किस्म के होते हैं, उनके अंदर जो कैपेसिटी है अलग अलग कैपेसिटी। अब मैं समझाता हूँ आपको, एक होता है फावर, टेंडा, टीपी लिंक और अदर भी आए हैं बहुत ही कंपनीज के, तो आपने उनको यही करना है जो आपके उसके साथ काम हो। आपने साथ साथ बने रहना होता है हमारा, ताकि हम आपको इजीली सब चीज़ें समझा सकें बड़ी आसानी से। तो उम्मीद है आपको हमारे समझ में आ जाता होगा सारा कुछ, और सारा कुछ साथ साथ भी बने रहते हैं आप। और बाकी आप लोगों ने तो हमारी वीडियोस मिस नहीं करते और कमेंट्स करा करें, ताकि आपको आसानी हो हमारे जो और वीडियोस हैं देने के लिए, कोई मसला ना हो। तो सारा जो है हमारा उस हिसाब से है, तो भाई आप लोगों ने जो है हमारे साथ साथ कुछ बने रहना है, तो कुछ आपने अच्छा जी, मैं जो लाया था अपने राउटर के लिए पावर बैंक, वो जो मुझे मिला था वाईफाई का 900 कुछ रुपए का मिला था। आप फाइवर के ऊपर वो वाला नहीं चलता, उसका डिफरेंट है, फाइवर का दूसरा है, ये वाला नहीं चलता उसके अंदर, क्योंकि हर एक का अलग अलग है और वो अलग है, डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो आपको वो समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो कैसा है ये कैसा है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के, तो इस हिसाब से वो समझ में नहीं आएगा आपको। तो आपने जो है हमारे साथ बने रहना होता है, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और इजीली सब कुछ साथ साथ बना रहे। तो कुछ है हमारे मतलब अब फाइवर के ऊपर अब सब बोल होंगे कि कौन सा पावर बैंक लगता है फाइवर के राउटर के ऊपर, तो वो वाला भी अलग है, उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। फिलहाल मैं सादे राउटर के बारे में दे रहा हूँ, टेंडा और टीपी लिंक के बारे में, वो अलग है, ठीक है, उनकी जो हिसाब किताब है सारा अलग है, उधर उसको मतलब आप इनके साथ अटैच नहीं कर सकते, आप उनको अलग रखना पड़ेगा, और उसकी पावर बैंक की कैपेसिटी और वो बड़ा है कुछ, और वो हैवी है बहुत फाइवर का, तो इसलिए आपने इसी वाले को सिर्फ टेंडा और टीपी लिंक पे लगाना है, जो मैं बता रहा हूँ आपको 900 रुपये का मिलेगा। उसका तो है आई थिंक 1500 का है, 1400 रुपये का फाइवर वाले का, जो फाइवर राउटर के हवावे फाइवर राउटर के साथ लगता है, वो 1500 रुपये का, उसके अलग है, उसकी तो उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है और इसके मुकाबले पे, और बाकी सारे हिसाब किताब अलग है इनका।
तो उम्मीद है आपको ये सारा सूत्र समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। गुड बाय ऑल फ्रेंड्स। बाकी आपने कमेंट ज़रूर करना है हमारे, कमेंट्स करना नहीं बोलना आपने, ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करा करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।